सो हे गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी भाई लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो है ना गाइस, में लोग बात करने वाले हैं 2024 होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में, जिसमें गाइस आपको कमाल के फीचर्स, लुक्स और जो प्राइस आपको देखने को मिलते हैं ना गाइस, जिस प्राइस में ये बाइक आती है वो गाइस आपको इनसेन देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में गाइस फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाने वाली है, प्राइस कितनी होने वाली है, एक्स शोरूम ऑन रोड दोनों बताऊंगा गाइस रांची की। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाने वाले हैं। ठीक है, अब वीडियो शुरू करते हैं गाइस और बात करते हैं सबसे पहले इसके डायमेंशन की। तो यहाँ पर आपको जो लेंथ मिलती है ना गाइस, 2034 mm की आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। विड्थ की बात करें तो 783 mm की आपको यहाँ पे विड्थ देखने को मिलने वाली है, और हाइट की बात कर ले तो 1064 mm की आपको यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, व्हील बेस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको 1355 mm की आपको पूरी व्हील बेस देखने को मिल जाती है, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 167 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाली है। साथ ही इसकी सीट हाइट की बात करें गाइस, तो 790 mm की आपको यहाँ पर सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। शॉर्ट राइडर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी आपको कम्फर्ट पोजिशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कव वेट की बात कर लेते हैं गाइस, तो ज़्यादा हैवी नहीं है आपको, 142 kg की यहाँ पर आपको बाइक देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं गाइस इसके फ्रंट की तरफ, देखते हैं फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले गाइस इसकी लुक देखो, कितनी मस्त लग रही है ना गाइस, एक प्रॉपर आपको ट्रांसफार्मर वाली यहाँ पर आपको लुक्स देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है गाइस देखने में। यहाँ पर आपको ना LED में आपको डियाल्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ गाइस आपको होंडा की यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है, यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगाओगे। ठीक है, और इसके हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिश में देखने को मिल जाती है, मैट ब्लैक एंड थोड़ी सी आपको मैट रेड में ही देखने को मिल जाती है। तो रेड तो नहीं है, थोड़ी सी बरगंडी कलर में आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। और यहाँ पर गाइस आपको DRS देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। और ये जो हेडलाइट सेटअप है ना गाइस, आपको फुली LED में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो रात में जो विजिबिलिटी देखने को मिलेगी ना, वो आपको इनसेन देखने को मिलने वाली, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर विजिबिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, इसके सस्पेंशन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको ना गोल्डन कलर के आपको अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिल जा रहे हैं, 37 mm की आपको इसकी डायमीटर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और आपको जो राइडिंग कंफर्ट यहाँ पर मिलने वाली है ना, काफ़ी मस्त हो जाने वाली है गाइस। और इस सेगमेंट में गाइस 200 सेगमेंट में आपको कोई भी कंपनी गोल्डन कलर के आपको अपसाइड डाउन फॉक्स नहीं दे रही है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, एक प्रीमियम टच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, थोड़ी नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिश में आपको मडगार्ड देखने को मिल जाता है, काफ़ी मस्कुलर आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी सी डिजाइनिंग की गई है गाइस, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, रेड एंड ब्लैक में आपको इधर देखने को मिल जाती है। और इसके मडगार्ड में ही गाइस आपको ABS की भी ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस इसके व्हील्स की, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ब्लैक कलर के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी सी रेड एंड थोड़ी सी आपको एक क्रीम कलर की आपको यहाँ पे फिनिश देखने को मिल जाती है, यानी स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके टायर सेक्शन की बात करें ना गाइस, तो 110x70 17 इंच की आपको यहाँ पर टायर देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है गाइस। और इसकी ब्रेक्स की बात करें तो 276 mm की आपको यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके ABS की रिंग मिल जाती है, और निसिन के आपको डुअल पिस्टन कैलिपर वाले यहाँ पर आपको प्रीमियम ब्रेक्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर गाइस आपको ना येलो रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं, उस तरफ भी आपको मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसकी साइड लुक की बात करें गाइस, तो काफ़ी प्रीमियम सी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी लगती है गाइस देखने में। और ये जो आप कलर देख रहे हो ना, ये काफ़ी अलग से आपको डिफरेंट सा कलर देखने को मिल जाता है गाइस, किसी भी बाइक में ना आपको इस तरह का कलर नहीं देखने को मिलता, बरगंडी कलर की थोड़ी सी आपको यहाँ पे फिनिशेस देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी टैंक की बात करें गाइस, तो इसकी टैंक की देखो गाइस, कितनी मस्त लग रही है गाइस देखने में। इसकी टैंक श्राउड देखो गाइस, कितनी अच्छी सी एकदम आपको एग्रेसिव आपको लुक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बीच में गाइस आपको ब्लैक कलर की एक पट्टी देखने को मिल जाती है, दोनों साइड आपको रेड फिनिशेस देखने को मिल जाती है, यानी बरगंडी कलर में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है। और यहीं पर गाइस आपको ना की भी लगा सकोगे इसके टैंक में ही, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी कार्बन फाइबर शॉर्ट फिनिश, यहाँ पर आपको होंडा की लोगो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इसके ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर देख लो गाइस, आपको हॉर्नेट की पूरी यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, यानी ग्राफिक्स देखने मिल जाती है, थोड़ी सी आपको सिल्वरिश फिनिश भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और धूप में गाइस थोड़ी सी एकदम मस्त एकदम ग्लिटर ग्लिटर एकदम फीलिंग आ रही है, चमक रही है गाइस, मस्त लग रही है। और यहाँ पर आपको क्रोम में आपको होंडा की बैजिंग एंड उसकी लोगो भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको 2.0 की भी यहाँ पर आपको ब्रांडिंग की गई है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर गाइस आपको फुल्ली ब्लैकआउट आपको यहाँ पर इंजन देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है। यहाँ पर आपको वही सेम कलर की आपको इंजन कॉल भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके इंजन की हम लोग बात कर लेते हैं, तो 184.40 cc के सिंगल सिलेंडर 2-valve एयर कूल्ड FIBS6 फेज 2 वाली यहाँ पर आपको इंजन मिल जाती है, जिसमें आपको जो पावर मिलती है ना गाइस, 17.3 PHP का आपको पावर देने को मिल जाती है, जो कि आपको मिलती है 8500 RPM है। जो आपको जो टॉर्क मिलती है ना, 15.9 Nm की आपको यहाँ पर टॉर्क देखने को मिलने वाली है, जो आपको मिलती है 6000 RPM है। ठीक है, और इसकी गेयरबॉक्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड की गेयरबॉक्स देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको
असिस्ट एंड स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है गाइस। अब चलते हैं गाइस इसके थोड़ी पीछे की तरफ, देखते हैं आपको क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपको राइडर के लिए फुटरेस्ट देखने को मिलता है जो कि रबर पैड में। यहाँ पर आपको रियर ब्रेक लीवर देखने को मिल जाती है, रियर ब्रेक ऑयल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पिलियन के लिए फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि एल्युमिनियम फिनिश में काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर गाइस आपको एग्जॉस्ट जो देखने को मिलता है ना, काफ़ी छोटी सी है लेकिन काफ़ी मस्त लग रही है देखने में। यहाँ पर आपको मेटल में ही इसकी प्लेट देखने मिल जाती है, यानी कवर प्लेट देखने मिल जाती है। और यहाँ पर आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट देखने मिलता है, ठीक है। मैं एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट भी इसकी सुना देता हूँ। तो मेरे को बताना गाइस कि आपको एग्जॉस्ट कैसी लगी, ठीक है। और मेरे को तो काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी बेसी आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है। ग्रंट थोड़ा सा कम है लेकिन बेसी एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिलती है। इसकी सस्पेंशन की बात करें गाइस रियर वाली, तो यहाँ पर आपको ना मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि आप देख पा रहे हो रेड कलर में। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी मड से प्रोटेक्शन के लिए फ्लैप देखने को मिल जाता है। इसकी रेयर की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको काफ़ी अच्छी आपको एलोवेज देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक कलर मस्त लग रही है। और थोड़ी सी रेड एंड थोड़ी सी गोल्डन कलर की आपको यहाँ पर फिनिशेज भी देखने को मिल जाती है स्टिकरिंग के फॉर्म में, जो कि अच्छी लग रही है गाइस देखने में। इसकी रेयर डिस्क की बात करें गाइस तो 220mm की आपको यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाते हैं। और निसिन के आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर वाले आपको यहाँ पर ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस बाइक में गाइस आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, रियर की तरफ आपको ABS नहीं मिलता, सिर्फ फ्रंट में आपको ABS देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप जो स्विंग आर्म देख रहे हैं, आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म देखने को मिल जाती है। और जो यहाँ पर आपको जो फ्रेम मिलती है ना गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, आपको डायमंड टाइप फ्रेम देखने को यहाँ पे मिल जाने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं गाइस हम लोग इसके पीछे की तरफ, देखिए सबसे पीछे में आपको क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहले आप सीट देख लो, आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी देखने को मिल जाती है गाइस, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा आपको हार्ड देखने को मिलती है। स्प्लिट आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग की गई है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इसकी टेलम की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको एक्स स्टाइल में आपको पहले जैसे ही आपको टेलम देखने को मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम लगती है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी कार्बन साइड ऑफ फिनिश भी देखने को मिल जाती है, यानी कार्बन फाइबर शॉर्ट ऑफ फिनिश भी देखने को मिल जाती है। होंडा की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर गाइस आपको जो ब्लिंकर्स मिलते हैं वो भी आपको LED में देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आपको जो नंबर प्लेट लाइट मिलती है ना गाइस, वो आपको LED में देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेफ्ट की तरफ आओगे गाइस तो यहाँ पर आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुट रेस्ट जो कि एल्युमिनियम में है। और यहाँ पर आपको जो चेन मिलती है ना गाइस, वो आपको ओपन चेन देखने को मिल जाती है, जिसको आपको 400-500 किलोमीटर में साफ करना पड़ेगा ताकि इसकी जो लाइफ है वो ऐसी बनी रहे, ठीक है। और इसके स्विंगा में ही आपको यहाँ पर टायर प्रेशर की स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाती है कि आपको टायर्स में कितने हवा रखनी है। और यहाँ पर गाइस आपको साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों देखने को मिल जाता है, और साइड स्टैंड में आपको इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। बात करें गाइस इसके फीचर्स की, इसके हैंडल बार, इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो सबसे पहले मैं ना आपको एक बार मिरर दिखाता हूँ। देख लो, आपको मिरर भी काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाली है। शुरू करते हैं गाइस इसके पहले की से, ये देख लो नॉर्मल सी की मिलती है गाइस, ज़्यादा कोई फैंसी आपको यहाँ पर की नहीं देखने को मिलती, नॉर्मल सी होंडा की बैजिंग के साथ। टैंक में इसकी की होल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेफ्ट से शुरू करें तो यहाँ पर गाइस बहुत अच्छी आपको यहाँ पर क्लच लीवर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस आपको पास की स्विच मिलती है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम करने के लिए टर्न इंडिकेटर की स्विच, नीचे की तरफ आपको हॉर्न देखने को मिलता है। इस बाइक में गाइस आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाती है। राइट की तरफ गाइस आपको इंजन की स्विच, उसके नीचे आपको हैजार्ड की स्विच और इंजन यानी स्टार्ट करने की स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल भी देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो यहाँ पर गाइस आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको इसे फिर से ऑन करके दिखाता हूँ, देखो देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है गाइस देखने में। और भाई गाइस यहाँ पे ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो आपको विजिबिलिटी मिल रही है ना, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। ऊपर की तरफ गाइस आपको टैकोमीटर मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने मिलती है, क्लॉक, और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर अभी कितनी टोटल यानी ऑडोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फ्यूल गेज और इधर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दो बटन देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप यहाँ पर मोड और सेलेक्ट का बटन मिलता है, जिसे आप प्रेस करोगे ना तो ट्रिप ए, ट्रिप बी और बैटरी वोल्टेज और ऑडोमीटर आपको यहाँ पर शो कर देती है, ठीक है। और दूसरा बटन प्रेस करोगे तो उसे आप वहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ट्रिप जो मीटर है उसे आप रीसेट कर पाओगे, ठीक है। कुछ वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो साइड स्टैंड इंडिकेटर, हाई बीम की और ABS न्यूट्रल और इंजन मैन फंक्शन की आपको यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब बात करते हैं गाइस जिसमें आपको माइलेज, इसकी टॉप स्पीड और इसकी प्राइसिंग की, कि आपको अब क्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले माइलेज की बात कर ले तो 45 km/h की आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिलने वाली ओवरऑल, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी सिटी और हाईवे दोनों मिला के बता रहा हूँ गाइस कि आपको ओवरऑल 45 km/h की यहाँ पे आपको माइलेज देखने को मिल जाएगी। टॉप स्पीड की बात करें गाइस तो वो आपको देखने को मिलने वाली 130 km/h की, वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें गाइस तो वो गाइस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है, ठीक है।
140,000 में आपको यहाँ पे एक शोरूम प्राइस देखने को मिलने वाली है रांची की। और ऑनरोड प्राइस की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाएगी 166,383, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और ये जो बाइक है ना गाइस, अभी आपको हॉरिजन होंडा में देखने को मिलने वाला है। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और शोरूम विजिट करके आप अपने हिसाब से आप देख पाओगे कि आपको कैसी बाइक चाहिए, ठीक है। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस देखने में, काफ़ी प्रीमियम से आपको बाइक देखने को यहाँ पे मिल जा रही है। 200 cc में आपको ये बाइक देखने मिलती है, काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। और प्राइस आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है।